साल 2024 में नवरात्रि की शुरुआत सूर्य ग्रहण के साथ होने जा रही है। आज नवरात्रि का महालया है और कल नवरात्रि पर कलश स्थापना की जाएगी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नवरात्रि के पहले ही साल का दूसरा और आखिरी सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। इसके साथ ही माता के आगमन की सवारी डोली होने वाली है। एक साथ सूर्य ग्रहण और नवरात्रि, ये समय कैसा रहेगा? माता दुर्गा के आगमन का देश विदेश पर कैसा असर पड़ेगा? ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। इसके लिए लोकलिटी ने देवघर के प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित नंद किशोर मुदगल से खास बातचीत की। उन्होंने बताया कि पितृ अमावस्या पर साल का दूसरा और आखिरी सूर्य ग्रहण लगेगा और आज ही देवी पक्ष की भी शुरुआत होने वाली है, यानी आज ही महालया है। भारतीय समय अनुसार ये ग्रहण 2 अक्टूबर की रात को 9:13 पर शुरू होगा और ग्रहण का समापन 3 अक्टूबर की सुबह 3:07 पर होगा। आपके लिए ये जानना बेहद जरूरी है कि नवरात्रि में माता दुर्गा का आगमन डोली पर होने जा रहा है और ये एक शुभ संकेत नहीं होता है। 2024 का शारदीय नवरात्र जो है वह कल यानी 3 अक्टूबर से प्रारंभ होने वाला है। गुरुवार से माता का आगमन होगा और प्रथम पूजा के साथ शारदीय नवरात्र प्रारंभ हो जाएगा। अब यहाँ रही बात कि एक दिन पहले सूर्य ग्रहण लग रहा है, ग्रहण के साथ और डोली पर आगमन, ये अशुभ का संकेत है। इस बार का योग जो लग रहा है यह इसको संयोग ही कहा जाए, ऐसा संयोग नहीं लगा था, नहीं लगता है। और सूर्य ग्रहण भी है, भले हमारा भारत में दृश्य नहीं है, इसका प्रभाव भारत पर तो नहीं पड़ेगा, लेकिन आखिर खगोलीय दृष्टि से ग्रहण तो लग रहा है। ग्रहण का प्रभाव दुष्प्रभाव जो है वह निश्चित सभी राशियों पर ये नवरात्रि देश दुनिया के लिए शुभ नहीं रहेगी। देश में राजनीतिक उथल पुथल मच सकता है, प्राकृतिक आपदा हो सकती है, ग्रह कलेश भी बढ़ सकता है। इसके साथ ही ज्यादातर लोग मौसमी बीमारी की चपेट में आने वाले हैं। इसके अलावा ये नवरात्रि कैसी रहेगी, आइए सीधा ज्योतिषी से जानते हैं। और इसका प्रभाव जो है, जैसे कि डोली पर जो माता जी आ रही है, इसका प्रभाव तो खराब भी है, व्यापकता है, अराजकता है, इसमें अराजकता हो सकती है और आपस में मनमुटाव का माहौल बन सकता है। तो इसके लिए माँ दुर्गा से हम लोग सब मिलकर के निवेदन करें कि हमारा विश्व का कल्याण हो, हमारे संसार में जितने भी व्यक्ति हैं सबका कल्याण हो। दिन के अनुसार माता दुर्गा की प्रस्थान सवारी बड़े पंजे वाला मुर्गा है, यानी माता दुर्गा के जाने की सवारी भी शुभ संकेत नहीं दे रही है। इस साल माता दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए विधि विधान के साथ पूजा आराधना करें, जिससे माता का आप पर आशीर्वाद बना रहे। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी ही वीडियोस के लिए देखते रहें लोकल 18।